हे दोस्तों, रीजनिंग के एक और प्रैक्टिस सेट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पहले हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी के बारे में कि अगर आपने अभी तक जो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है उसको डाउनलोड नहीं किया है तो आप उसको डाउनलोड कर लो, क्योंकि वहाँ पर मैं एक एजुकेटर हूँ और मैं आपको वहाँ पर रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर, इससे रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया होगा, वहाँ पर क्लिक करके आप उनको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं आज के वीडियो पर। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, बेसिकली कल वाला जो रीजनिंग का मैंने पार्ट कराया था उसका ये होमवर्क है। तो कह रहा है 18, 25, 23 और 20, 30, इसके बाद क्या आएगा? ध्यान से देखो इसमें क्या करेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 18 और इसको लेकर चलेंगे। तो इसमें देखिए 18 प्लस क्या हो रहा है, 5, 23, और 25 प्लस 5 क्या हो रहा है, 30। क्या हो रहा है, यानी कि प्लस 5 चल रहा है, तो 23 और 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 28। तो ऑप्शन नंबर इसका जो 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो कह रहा है निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या दिए गए विकल्पों में से ज्ञात करना है। 8 है, 29 है, 113 है और 449 है। ध्यान से देखो, 8 है, 29 है, यहाँ पर अगर देखा जाए 8 और 29 में कितने का अंतर है, 21 का अंतर है। कितने का अंतर है, 21 का अंतर है, और 29 और 113 में 84 का अंतर है। ध्यान से देखना, और 113 और इसमें कितने का अंतर है, यहाँ पर देखा जाए तो 336 का अंतर है। अब यहाँ पे ऐसे देखा जाए 21, 84, 336 में कोई खास डिफरेंट नहीं है, बट देखो 21 × 4 करोगे कितना आ जाएगा, 84, 84 × 4 करोगे कितना आ जाएगा, 336, यानी कि 336 × 4 करेंगे कितना आएगा, 1344, और 1344 में क्या जोड़ देंगे हम, 449 को अगर हम जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1793 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1793 आ जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त आकृति दिए गए विकल्पों में से ज्ञात करना है भाई। तो देखो ये है प्रश्नाकृति, ये है उत्तराकृति। यहाँ पर अगर देखा जाए ध्यान से तो पहले आपका ये था, फिर ये घूम करके ये बन गया, फिर ये इधर घूम गया, आपका ये हो गया, यानी कि आपका ये पूरा घूम जा रहा है। तो उसके बाद क्या हो गया, आपका ये चीज़ यहाँ पे घुमाया, ठीक है। तो यानी कि ये आपका कैसे कैसे घूम रहा है, यहाँ पर इसको पहले एक बार अच्छे से बिठा लेते हैं, उसके बाद इसको लगाते हैं। तो अगर देखा जाए तो प्रत्येक जो अगली आकृति तैयार है उसमें जो छोटा वाला वृत्त है वो 90 अंश क्या हो रहा है, ये जो छोटा वाला जो वृत्त दिख रहा है ये आपका क्या, 90 डिग्री घूम जा रहा है। 90 डिग्री क्या हो रहा है, घूम जा रहा है, यानी कि इसमें भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री आपका घूम जाएगा। तो इसके बाद आपका क्या आएगा, इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसके ये यहाँ पर है, इसके बाद ये आपका ऐसे होगा, और ऐसे तो इसमें भी हो रहा है और इसमें भी हो रहा है। लेकिन अगर आपका ये वाला देखा जाए, ये 90 डिग्री घुमाएंगे आपका, तो ये आपका इस तरह से होगा, तो आपका इसमें भी इस तरह से हो रहा है। तो यानी कि एक चीज़ बचा आपका ये वाली पाई, कौन सी पाई आपकी, ये वाली पाई, जो ये वाली पाई है इसको देखेंगे ध्यान से, तो ये आपका इसमें ऐसे है, तो आगे वाले में जो जाएगा वो आपका ऐसे होना चाहिए। तो इसमें देखिए ये नीचे है, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका जो 4 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 पे हम टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 3, 4, 5, 60, तो लुप्त संख्या है कहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे सारे नंबर तो दिए गए हैं, यहाँ पे देखा जाए तो लुप्त संख्या है कहाँ, अच्छा यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, हमको दिखाई नहीं पड़ा, आंखें कमज़ोर हो रही है, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे बताना है क्या आएगा। तो 3 है, 4, 5 है, 60 है। तो देखो ध्यान से कैसे कैसे यहाँ पर आया है, तो ध्यान से अगर देखा जाए तो 3 × 4 = 12, 5 = 60, 7 × 14 = 56, यानी कि 6 × 5 = 30, 30 में किससे गुणा करेंगे, 90 आ जाएगा, 30 में हम करेंगे 3 से गुणा, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3 से गुणा करने पे क्या आ जाएगा, आपका 90 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, 10 वर्ष पूर्व हेमा की आयु, हेमा जो है गीता से आयु में दुगनी थी, 10 साल पहले की बात कर रहा है। तो हम मान लेते हैं हेमा की आयु एक्स है और गीता की आयु कितनी है, वाई है, तो 10 साल पूर्व की बात कर रहा है। चलो यहाँ पर दोनों की आयु क्यों माने, थोड़ा सा पहले आगे पढ़ लेते हैं। कह रहा है यदि अब से 10 वर्ष बाद हेमा की आयु 40 वर्ष होगी तो आज गीता की आयु क्या है। तो यहाँ पर साफ साफ एक चीज़ कह दिया कि अब से 10 वर्ष बाद जो है हेमा की आयु कितनी है, 40 वर्ष होगी। तो अब से 10 साल बाद 40 है, तो यानी कि अभी की उम्र देखा जाए तो हेमा की आयु कितनी है, 30 है, और 10 साल पहले कह रहा है हेमा जो है गीता की आयु में दुगनी है, 10 साल पहले, यानी कि 10 साल पहले ये जो 30 है वो कितना हो जाएगा, 20, और हेमा की आयु कितनी है आपकी, दुगनी है, तो कितना हो जाएगा, हेमा की आयु कितनी हो जाएगी,
10 हो जाएगी। भाई गीता की आयु से दुगनी है, माफ़ कीजिएगा, तो गीता की आयु दुगनी है, तो गीता की कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष हो जाएगी 10 साल पहले। तो आज ये 10 साल पहले अगर गीता की आयु 10 है तो आज कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष हो जाएगी। भाई 10 साल पहले 10 है तो भी 20 हो जाएगी। फिर से हम लोग कैसे लगाए मैंने इस क्वेश्चन को, कह रहा है यदि अब से 10 वर्ष बाद हेमा की आयु 40 वर्ष होगी, अब से 10 साल बाद हेमा की आयु 40 है, यानी कि अभी हेमा की आयु कितनी होगी, 30 होगी। फिर कह रहा है एक कंडीशन दे रहा है, 10 वर्ष पूर्व हेमा जो है गीता की आयु में दुगनी है, तो पहले हम 10 साल पहले जाते हैं, तो 10 साल पहले जो हेमा अभी, तो अब हेमा की आयु अगर 30 है तो 10 साल पहले कितनी होगी, 20 होगी। और जो 10 साल पहले हेमा की आयु है वो गीता की आयु से कितनी है, दुगनी है, यानी कि 10 साल पहले गीता की आयु कितनी रही होगी, 10 वर्ष रही होगी। अगर 10 साल पहले गीता की आयु 10 वर्ष रही होगी तो अभी कितनी होगी, 10 और 10 20 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो 2 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी, तो इसको फटाक से एक फिगर बना लेते हैं, वहाँ से समझ में आ जाएगा। देखो फिगर बना लो या वैसे ही लगा लो, देखो ध्यान से यहाँ पर क्या कह रहा है, ए बी की बहन है, सी बी की माता है। देखो ए जो है वो बी की बहन है, यहाँ पर इसको माइनस लगा दो जिससे पता चले फीमेल है, और जो सी है वो बी की माता है, यानी कि जो सी है वो बी की माता है, ये भी आपका फीमेल हो गया। उसके बाद कह रहा है डी जो है सी का पिता है, डी जो है सी का पिता है, यहाँ पर इसका भी ऊपर चला जाएगा डी, तो यहाँ फिर से यहाँ पर थोड़ा नीचे से बनाते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, ए जो है बी की बहन है, तो ए बी यहाँ पर माइनस, यहाँ पे सी, यहाँ भी माइनस, यहाँ पे डी हो जाएगा सी की पिता, इसको लगा दो प्लस, इसको क्या लगा देंगे हम लोग प्लस। उसके बाद कह रहा है आपका ई डी की माता है, जो ई है वो डी की माता है, यानी कि ई इसके भी ऊपर चला जाएगा, ई जो है डी की माता है, इतना ऊपर चला गया भाई, काफ़ी सारे जनरेशन आगे। तो ए और डी का संबंध, भाई ए और डी का संबंध क्या होगा, तो यहाँ पर देखो नाना के भी जब ऊपर चले जाते हैं, मतलब दादा के ऊपर चले जाते हैं, तो देवती का संबंध आ जाता है, तो जो ए है वो ई की देवती हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 4 है देवती, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर, तो कह रहा है सुधीश का कक्षा में ऊपर से 7वां तथा नीचे से 28वां स्थान है, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। भाई ऊपर से 7वां है, नीचे से 28वां है, तो 28 और 7 जोड़ दो, 28 और 7 जोड़ो कितना हो जाएगा आपका, 35, और 35 में से 1 घटा दो कितना आ जाएगा, 34। तो ऑप्शन नंबर इसका जो फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, 5 लोग आपकी ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, यहाँ पर इसका ऑप्शन नहीं दिया गया है और ये क्वेश्चन भी कट गया है, बट मैं इसको अगले वाले पार्ट में करवा दूंगा, क्वेश्चन कट गया इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर पूरा क्वेश्चन है नहीं तो पूरा क्वेश्चन लग नहीं पाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, निम्नलिखित शब्दों का शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से ई एक्स तो सब में है, ई एक्स पी भी सब में है, ई एक्स पी के बाद जो है एल, एल के पहले क्या ओ आता है, तो यहाँ पर देखा जाए तो ई एक्स पी एल हो जाएगा, तो यहाँ पर तक तो सब सही है, लेकिन ई एक्स पी एल ओ तक तो सबको ठीक है, तो ई एक्स पी एल ओ आई टी, तो आपका पहले स्थान पे ये हो जाएगा, दूसरे स्थान पे पी एल ओ आर, यानी कि दूसरे स्थान पे ये हो जाएगा, तीसरे स्थान पे पी एल ओ एस, ये तीसरे स्थान पे हो जाएगा, फिर ऐसे लिख लो भाई, पहला दूसरा तीसरा, फिर चौथे स्थान पर देखा जाए तो आपका ई एक्स पी ओ एन है, तो आपका ये चौथे स्थान पर हो जाएगा, यानी कि बचा हुआ पांचवें स्थान पे, तो 1 5 3 4 और आपका सॉरी 1 5 2 3 और 4, 1 5 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर जिसका जो 2 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, एक पर्यटक पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर सफ़र तय करता है, तो और भाई घूमकर 4 किलोमीटर जाता है, तो यहाँ पर इसके ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, आप लोग भी ट्राई करते रहिए और मैं भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ। एक पर्यटक है जो पश्चिम की ओर, तो यहाँ पर हम बता देते हैं कुछ भी मान लो अपने हिसाब से, पूरा पश्चिम मान लो, तो मैं आपको इसको ये पूरब मान लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा, यानी कि आपका उत्तर, और ये आपका क्या हो जाएगा दक्षिण हो जाएगा, समझ गए, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। एक पर्यटक पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है, तो एक पर्यटक जो है पश्चिम यानी कि ऊपर की ओर 10 किलोमीटर चला, फिर आपका ये और बाएं घूम जाता है, बाएं घूमने मतलब ये बाएं घूम गया आपका, ये बाएं घूमने के बाद 4, ये 10 चला था, ये कितना चला आपका 4 चला है, उसके बाद 4 किलोमीटर चलता है, फिर पूर्व की ओर घूम जाता है, पूर्व की ओर का मतलब क्या है नीचे की ओर घूम गया, कितना चला नीचे की ओर घूम गया और 4 किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर सफर तय करता है, तो ये भी आपका कितना चल गया 4 चल गया। उसके बाद कह रहा है फिर सफ़र तय करता है और दाई ओर घूम कर, इसके बाद जब ये दाई घूमेगा यानी कि ये इस साइड घूम रहा है, इस साइड घूम रहा है, इस साइड कितना चल रहा है
पाँच का चल रहा है, ये यहाँ पर थोड़ा सा लंबा हो गया, पाँच का चल रहा है, फिर बाद में वह अपने बाईं ओर घूमकर छः चलता है, कितना चलता है, छः चलता है, तो यहाँ पर ये छः चल गए ये आपका दाईं ओर घूम करके। फिर कह रहा है वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान ये है, अगर देखा जाए इससे किस दिशा में है, तो इससे ये इस दिशा में है, तो ये कौन सा दिशा आपका, दक्षिण है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, दक्षिण, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दक्षिण, तो ऑप्शन नंबर इसका जो फोर है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, एक कूट भाषा में रुस्तम को INWANZ लिखा जाता है और रस्तोगी को ये लिखा जाता है, तो इस कूट भाषा में रसिया को क्या लिखा जाएगा। देखो आर का, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, आर के लिए आई को, यू के लिए एन को, मतलब जब इस तरह क्वेश्चन आते हैं लगभग लगभग वही दिया रहता है कि उन एक एक अक्षर का एक एक अक्षर संबंध होता है, तो यहाँ पर इस तरह से देखा जाए तो आर का संबंध हो जाएगा आई से, यू का देखा जाए तो यू यहाँ पर यू और के साथ एन है, तो INN, फिर एस, एस का देखा जाए यस, और यस कहाँ है, यस यहाँ पर तीसरे स्थान पे, तो डब्ल्यू है, तो WWINWW, तो INWW देखो एक ही में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो थ्री है वो करेक्ट हो जाएगा, आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, यदि रोज़ को 68 21, चेयर को 73 456, प्रीच को इतना लिखा जाता है, तो सर्च का कोड संकेत क्या होगा। तो रोज़ को लिखा जाता है 6, यहाँ पर भी सेम चीज़ वही लगा देंगे, रोज़ आर के लिए 6 ले लेंगे, ओ के लिए 8 ले लेंगे, एस के लिए 2 ले लेंगे, तो यहाँ पर सर्च है, तो यानी कि एस के लिए क्या लिया था हमने, 2, तो सर्च में पहले 2 आ जाएगा, फिर ई के लिए 1 आ जाएगा, फिर ए के लिए आपका कितना आएगा, ए के लिए अगर देखा जाए तो PREA, तो ए के लिए आपका हो जाएगा 4, इसी तरह आर के लिए 6, फिर सी के लिए 7, एच के लिए 3, तो 214 676 673 214 673 आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, समझ गए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि यक्ष का अर्थ है जोड़ना, भी का अर्थ है घटाना, यू का अर्थ है बराबर होना, और इसका अर्थ है भाग देना, टुकड़ा, तो निम्नलिखित में से समीकरणों में से कौन सा सही है। चलो आपका ये आज का इसका पहला होमवर्क होता है, तो आपको ये कमेंट करके बताना है, और इस क्वेश्चन को मैं बता सकता हूँ आपको, मैं अगले पार्ट में बताऊँगा, ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ समझा नहीं सकता हूँ, बट आपको अगले क्वेश्चन में पहले से ही लिख लूँगा, समझा दूँगा, उससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, पर आप कोशिश करिएगा इस क्वेश्चन को लगाने की, नहीं तो मैं अगले पार्ट में आपको बताऊँगा बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, दिए गए शब्द में छिपे ज्यामितीय आकृति के नाम को विकल्पों में दिए गए अव्यवस्थित अक्षरों वाले शब्द में पहचानिए, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बेसिकली क्या कह रहा है आपसे, ज्यामितीय आकृति, तो यहाँ पर ज्यामितीय आकृति का देखा जाए तो ये जो आपका BECU है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि BECU से आपका क्या मिलता है, क्यूब बनता है, क्या बनता है, क्यूब बनता है, यहाँ पर CUBE है ना, क्यूब, तो आपका ये ऑप्शन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्यूब हमारा एक ज्यामितीय आकृति है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित उत्तर आकृतियों में से उत्तर आकृतियों को चुनिए जिसमें से प्रश्न आकृति उसी दिशा में निहित हो, तो यहाँ पर देखा जाए तो 30 का जो यानी प्रश्न आकृति ये है, और ये जो चीज़ है वो सिर्फ पहले ऑप्शन में ही निहित है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो 31 है आपका, निम्नलिखित प्रश्न आकृतियों में दिखाए गए छेद के अनुसार आयताकार छेद को मोड़ने से पंच करने से क्या बनता है, तो यहाँ पर अगर इसको ओपन किया जाए, इसको ऐसे पंच किया गया, फिर ऐसे किया गया, फिर ओपन किया जाए, तो इसको ओपन करने पे एक ही आकृति बनेगी, वो देखने से साफ पता चल रहा है जो आकृति आपकी 3 है, क्योंकि भाई देखो एक बार ऐसे ऐसे मोड़ा गया, फिर ऐसे मोड़ा गया, तो ऐसे ही खोलेंगे तो आपका ये बन जाएगा बीच वाला, फिर जब इसको ऐसे ऐसे खोल देंगे तो आपका ये बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका जो 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, समझिए दोस्तों। तो बस आज के जो इस वीडियो में सिर्फ यही कुछ क्वेश्चन थे जो आपको पसंद आए होंगे, आई होप, तो आपका जो होमवर्क है आप लोग फिर के आपके सामने हैं, इस होमवर्क को देखिएगा और कमेंट करके इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।